हेलो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक इन अनदर न्यू व्लॉग। अरे मैया तू क्या देख लियो, ये गंडू आ चुका है, ये गंडू आ चुका है। 2K सब्सक्राइबर लेके बैठा है छोटा मोटा यूट्यूबर, तो ये एकदम झूठ बोलता है। ये लड़के के लिए ही जाता है ट्यूशन में। गुजारिश करता हूँ फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से भाई इस गलती के लिए भाई पूरा 80 मार्क का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। हेलो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक इन अनदर न्यू व्लॉग। हम मालूम है तेरे बाप को मत। तो हम आ चुके हैं फिर से इसके चैनल में, रिटर्न राइडर के चैनल में। तो कल कुछ बोला चाहोगे आप? तो ये गंडू आ चुका है ब्लॉग पे, मजा आएगा। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ये साला आज आके कल आके आज चला जाएगा, क्योंकि गाइस हमारा ट्यूशन है इसलिए जाना पड़ेगा। ट्यूशन है, सच बता तो लड़कियों को देखने के लिए जाता हूँ ट्यूशन में। ये सीन जरा कट कर देना। और कुछ नहीं बोला है, और जो बोलेगा ये हमारा यूट्यूबर बोलेगा। मैं तो छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ गाइस, छोटा मोटा यूट्यूबर, 2K सब्सक्राइबर लेके बैठा है छोटा मोटा यूट्यूबर। तो ये एकदम झूठ बोलता है, ये लड़की के लिए ही जाता है ट्यूशन में। ये सीन भी कट नहीं होगा। तो मेरा चैनल में व्यू नहीं आता, फिर भी हम छोड़ेंगे, फिर भी हिम्मत नहीं तोड़ेंगे गाइस, फिर भी वीडियो छोड़ेंगे। व्यूज नहीं आता है तो क्या होता है, फिर भी छोड़ेंगे, फिर भी वीडियो तो अपलोड करना बनता है गाइस, इसलिए हम वीडियो अपलोड करेंगे, कोई बात नहीं। देखते आज ये गंडू आया तो कहाँ पे घूमने चले जाएंगे। तो ये पहले के फॉर्म में आ चुका है, देख सकते हो इसका हेड कटिंग। यो व्हाट अ हेयर कटिंग गाइस। और नए स्कूल में भी जाना है, मींस नए स्कूल तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, जाए उधर में जाएंगे, वो लड़के पटाएंगे, आप उधर में लड़कियों के साथ ब्लॉग भी करेंगे, मजा आएगा बहुत, एकदम व्यूज आएगा लड़कियों के साथ जब ब्लॉग करेंगे। ये तुमसे ना हो पाएगा। और गाइस देख सकते हो रिजल्ट के पहले दिन मैंने एक ब्लॉग, हमने क्या बोला था इसके ब्लॉग में, आप लोग पहले वाले ब्लॉग में, मीन्स 3-4 ब्लॉग पहले हमने बोला था हम क्लास 11 पे नहीं जाएंगे, पर हम पास हो चुके हैं। और क्लास 11 में भी हम जा चुके हैं, एडमिशन भी ले लिया हम लोगों ने, हम पास हो चुके हैं गाइस। नया लैपटॉप भी आने वाला है जल्दी, मज़ा आया बहुत एकदम। अगर और परसेंटेज मिलता तो मीन्स स्कूटी भी ले लेते, पर लैपटॉप तो मिल रहा है, वो बात की अलग ही खुशी है, मज़ा आएगा गाइस। और क्या ही बोलो, इतना एक्साइटमेंट हो रहा है एकदम। पर इसका 3 मार्क के लिए साला गांडू टीचर ने इसको फेल, मीन्स एक सब्जेक्ट में फेल कर के रख दिया है, बहुत दुख हो रहा है इसके लिए। पर ये भी सरकार से गुजारिश करता हूँ, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से भाई इस गलती के लिए भाई पूरा 80 मार्क का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। इसमें 80 में तो उठाना पड़ेगा गाइस, किसलिए भाई अभी मन से पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक पढ़ने में नहीं बैठे हैं, बैठ जाएंगे कल। जब आपने रिजल्ट चेक किया था नंबर टाइप करके, आपको कैसा लग रहा, मींस कैसा फीलिंग्स हो रहा था, आप पास करोगे या नहीं, और रिजल्ट देखने के बाद आपको कैसा लगा, वो जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं। मुझे लगा था भाई पास कर लूंगा, लेकिन कॉन्टेक्ट स्कूल और फीलिंग तो कुछ नहीं, डर। घर भर में पिटाई हुई आपकी? नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा नेक्स्ट लेवल था। ले और क्या प्रॉब्लम हुआ, बस मार्क इतना कम मार्क भाई, मैंने जिस तरह एग्जाम में भाई फाड़ के दिया था, धनाधन लिख रहा था, सर बोल रहे थे ये टॉपर होगा, लेकिन मैं तो लूजर निकला, और कुछ नहीं गाइस। गाइस कोई बात नहीं, इसके लिए दुआ करो आप लोग, जुलाई में इसका एग्जाम है मैथ का, मैथ में इसको 3 मार्क, सिर्फ 3 मार्क अगर इसको मिल जाता तो वो चला जाता। कोई सी टाइम नहीं थी, टाइम गॉडफ्रेंड ये हो I left you with the parts of me I don't wanna see.